मौसम में सर्दी के एहसास के साथ ही चोरों के हौसले भी बुलंद होने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला रादौर के पावर हाउस के स्थित एक आयरन स्टोर पर देखने को मिला, जहां देर रात 1.5 लाख कीमत की फाइबर शीट सहित पिकअप को चोरी कर चोर फरार हो गए। चोरी की घटना का सुबह पता चला जब दुकान मालिक अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां से गाड़ी गायब थी, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में जांच शुरू की। इस बारे बालाजी आयरन स्टोर के मालिक साहिल रहेजा ने बताया कि चोरी की इस घटना से उन्हें करीब 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सर, मैंने रात गाड़ी खड़ी करी थी 7 बजे करीब बाहर, तो सुबह 3:30 बजे तक खड़ी थी, उसके बाद गाड़ी नहीं है। लोडिंग गाड़ी थी, उसके अंदर सामान था। कितने का सामान था और क्या सामान था? जी, 1,30,000-35,000 रुपये का। हाँ जी, सप्लाई की जानी थी तो आया था? नहीं, आया था मेरा माल, उसी तरह से माल आया था। हाँ जी, तो कोई वीडियो वगैरह भी नहीं थी? हाँ जी, सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी? नहीं, उसमें कुछ सीसीटीवी नहीं आ रहा। कहाँ पे खड़ी करी थी? ये बराबर में प्लॉट में खड़ी करी थी। गाड़ी सही लगी? गाड़ी समेत लगी? गाड़ी समेत लगी। बता देगी पुलिस? पुलिस में दरख्वास्त दे रखी है। टोटल कितना नुकसान है? टोटल गाड़ी है माला जी, टोटल 5 लाख रुपये नुकसान है। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया। जांच अधिकारी निर्मल सिंह ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है, जिसके बाद मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। तो कल ये एक गाड़ी पिकअप थी इनके पास, HR 65-88-07, उसमें ये कुरुक्षेत्र से पता नहीं कहाँ से माल ले रही नया लोड करके, जिसमें फाइबर सीट वगैरह थी। तो शाम को आए थे इन्होंने अपनी गाड़ी अपने स्टोर के पास, इनका प्लाट है खाली, उसमें खड़ी कर दी थी और खड़ी करके अपने घर पे चले गए थे। और जब सुबह इन्होंने दुकान खोल ली आके और गाड़ी को देखा, तो इनकी गाड़ी वहाँ पे नहीं थी जहाँ पे इन्होंने पार्क की थी। तो रात को कोई भी अननोन आदमी इनकी गाड़ी को अपना चोरी करके ले गया। इन्होंने कंप्लेंट दी है, उसमें जो कार्रवाई बनती है वो अपना दर्ज करेंगे। सीसीटीवी फुटेज वगैरह का भी कहीं मिला है? सीसीटीवी फुटेज 2-3 कैमरे मैंने चेक कर लिए हैं, दुकानों पर लगे हुए हैं जो, लेकिन किसी में कोई अभी स्पष्ट नहीं हुआ है गाड़ी किधर गई है या कौन लेके गया है। और जो सीसीटीवी कैमरे आसपास भी लगे हुए हैं उनको भी चेक करेंगे। खैर, सर्दी के एहसास के साथ ही चोर भी अलर्ट हो चुके हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इन चोरों तक पहुंच इनकी धरपकड़ करती है।